नमस्कार दोस्तों, एनके फर्नीचर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माइका की सफाई लगाएंगे ट्रिमर रूटर की मदद से, और वो भी देसी जुगाड़ बनाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसके लगा के देखते हैं जो ये माइका है, और उसके बाद हम इसके जुगाड़ बना के देखेंगे, क्योंकि इससे हम निकालते हैं तो इसमें किच्ची निकलती है। देखिए दोस्तों, देखिए जब हम रूटर मशीन से माइका को साफ करते हैं तो इसमें कुछ इस तरीके से किपची निकलती है, क्योंकि अपना जो रूटर मशीन का ब्लेड होता है वो ऐसे सीधा सीधा घूमता है। तो हम इसमें बनाने वाले हैं एक स्पेशल जुगाड़। दोस्तों, हमने दो पीस काट रखे हैं 6 mm के, 5 इंची बाई 6 इंची के, और दो पीस हमने लकड़ी की क्रॉस कर लिए हैं। इसको यहाँ पे हमने 1/2 इंची रखा है, 1/2 इंची के 7 सूत है और यहाँ पे 2 सूत है, तो हमने ये दो लकड़ियों को क्रॉस कर लिया है। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 1.5 इंची पे निशान लगाते हैं और इसके सेंटर में निशान लगा लेते हैं। जैसे कि 6 इंची है तो 3 इंची पे निशान कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंची के बिट से दोनों प्लाई के अंदर हॉल कर लेते हैं, जिसमें से अपना बिट निकल सकेगा। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक पीस को हम यहाँ पे लकड़ी के ऊपर ठोक देंगे 20 नंबर कीली में। और दोस्तों, यहाँ पे अपने रूटर मशीन का जो स्टैंड आता है, इसके अंदर दो थल या प्लेट लगी है, तो हम बाहर वाली प्लेट को खोल लेते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस प्लेट को इस प्लाई के ऊपर रख लिया है और इसके निशान कर लेंगे। इस निशान पे पंच से हल्का सा टिप लगा लेंगे, जिससे हॉल करने में बड़ी आसानी रहेगी। इसमें हॉल कर लेते हैं और वापस से हम चारों स्क्रूओं को टाइट कर लेंगे, ताकि जो अपनी प्लेट है अच्छे से टाइट हो जाए। तो चारों स्क्रू हमने टाइट कर लिए हैं। अब दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे की तरफ एक हॉल निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे की तरफ तो अपनी लकड़ी पतली है तो लगेगा नहीं स्क्रू, तो यहाँ पे एक हॉल निकाल कर इसमें 2 पेच टाइट कर देते हैं। और यहाँ पे इसमें बीच में निकाल देते हैं, इसमें एक स्क्रू टाइट कर देते हैं, क्योंकि अपन को ये खोलना पड़ेगा, इसमें किले नहीं लगा सकते अपन, तो इसमें स्क्रू से टाइट कर लेते हैं इसको। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये आइडिया सक्सेस होगा तो वीडियो अपलोड होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लेना ये आइडिया सक्सेस है। दोस्तों, हमने इस फर्मे को इसके सेट कर लिया है, और ये जो बिट है ये इसका स्टैंड आता है, ये जो बैरिंग है इसके बिट से हल्की सी बाहर रहनी चाहिए, ताकि अपने इस नीचे वाली बॉर्डर है उसके टकराए नहीं। तो हम इसके चला कर देखते हैं और देखते हैं ये सक्सेस हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत कम किपची आई है, ना के बराबर। दोस्तों, जब क्या होता है, जब अपन रोटर मशीन को चलाते हैं तो वो सीधा सीधा चलता है, ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, ये ट्रिमर रोटर ऐसे दबाते हुए इस माइका को काटता हुआ गया है, इसके कारण से इसमें कम किपची आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।